शैतान यीशु के परीक्षा करे। यीशु के बपतिस्मा भेलाक तुरंत बाद पवित्र आत्मा हुनका जंगल में लग गेलखिन। यीशु ओत चालीस दिन आ चालीस रात रहलन। वही समय ओ उपवास कलखिन आ शैतान यीशु लंग आबिकर पाप करबाक लेल हुनका परीक्षा कलन। पहिने शैतान यीशु के कहलन, यदि अहाँ परमेश्वर के पुत्र छी त एहि पाथर के रोटी बना दिया जे अहाँ खा सकी। मुदा यीशु शैतान के कहलखिन, परमेश्वर के वचन में ई लिखल अछि, जीवित रहबाक लेल मनुष्य के केवल रोटी के आवश्यकता नहीं होइत अछि, मुदा हुनक मुँह से निकलल वही बात के आवश्यकता अछि जे परमेश्वर ओकरा से कहैत छथि। तब शैतान यीशु के मंदिर के सब से ऊंचगर स्थान पर लऽ गेल। वो हुनका कहलन, यदि अहाँ परमेश्वर के पुत्र छी त एहि से नीचा कूद जाओ, कि एक त लिखल अछि, परमेश्वर तोरा उठाइबाक लेल अपन स्वर्गदूत के आज्ञा देथिन जे तोहर पैर पाथर में ठेस नहीं लागै। परंतु यीशु ओ नहीं कलखिन जे शैतान हुनका करबाक लेल कहलन, बल्कि ओकरा कहलखिन, परमेश्वर हरेक एक से कहे छथिन, तो प्रभु अपन परमेश्वर के परीक्षा नहीं करी हा। फिर शैतान हुनका संसार के सारा राज देखलखिन। ओ हुनका ओ देखलन जे ओ कतेक शक्तिशाली छला आ ओ कतेक संपन्न छला। ओ यीशु के कहलन, हम अहाँ के ई सब दौ देव यदि अहाँ छिहुनिया कह कर हमरा उपासना करब। यीशु जवाब दिलखिन, हे शैतान, हमरा लग से चल जो, परमेश्वर के वचन में वो सब के आदेश देत छथि जे मात्र अपन प्रभु परमेश्वर टा के आराधना करू। यीशु शैतान के परीक्षा से हार नहीं मानलन, एहि लेल शैतान हुनका लग से चल गेल। तब स्वर्गदूत आबि कऽ यीशु के सेवा टहल करै लागल। मत्ती अध्याय 4:1-11, मरकुश 1:12-13, लुका 4:1-13 सँ बाइबलक एकटा कथा।